दोस्तों, होंठ हमारे चेहरे का सबसे हसास, खूबसूरत और पुरकशिश हिस्सा है। चेहरे की खूबसूरती और ताजगी में जो किरदार होंठ अदा करते हैं, वो चेहरे का कोई और अज़ू नहीं कर सकता। अक्सर लोगों के होंठ मौसम सरमा की वजह से या किसी और वजह से फट जाते हैं और काले पड़ जाते हैं, जिनसे होंठों की खूबसूरती मान पड़ जाती है। लेकिन इस सूरत में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज आपको ऐसा आसान कुदरती नुस्खा बता रही हूँ, जिससे आपके फटे होंठ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और होंठों की दिलकशी और गुलाबीपन बहाल हो जाएगा। बस मेरा ये आज का टोटका जरूर आजमा कर देखिए। इससे पहले कि मैं आपको आज के इस टोटके के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। अब मैं आपको उन अज़ा के बारे में बताती हूँ जो इस मुफीद टोटके में इस्तेमाल होंगे। इनमें शामिल है तेल या घी एक चाय का चम्मच, रुई का आहा एक अदद और सेब के बीज एक खाने का चम्मच। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि रुई के आहे को तेल या घी में डुबोकर वो आहा आप नाफ में लगा लें। रात को सेब के बीज पीस लें और इसमें इतना पानी मिलाएं कि ये एक गाढ़ा पेस्ट बन जाए। अब इस पेस्ट को आप अपने होंठों पर लगा लें और सुबह उठकर आप अपने होंठ सादा पानी से धो लें। सेब के रेशों में विटामिन ए और सी काफी ज्यादा मौजूद होती हैं। इसके बीजों में फास्फोरस मौजूद होता है। सेब के बीज होंठों को मुलायम करके इनकी दिलकशी और सुर्खी बहाल करते हैं। तेल या घी अगर आप नाफ में लगाएंगे तो ये अंदर से होंठों को मुलायम करेंगे, फटे होंठ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सर्दी के मौसम में होंठ अक्सर फट जाते हैं और काफी बदनुमा नजर भी आते हैं। इस कुदरती घरेलू टोटके की बदौलत होंठ न सिर्फ बहुत नरम मुलायम और जाज़िबे नजर हो जाएंगे, साथ ही इंशाल्लाह दोबारा कभी नहीं फटेंगे। ये टोटका दूसरों के साथ भी प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये आज की कारामद और मुफीद वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती।